एक दिन आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लग रहा था सारा जंगल पानी में डूब जाएगा। बाघिन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वह बाघ से बोली कि तुम मुन्ना को लेकर किसी ऊंचे स्थान पर चले जाओ। और आखिर मुन्ना की मजबूरी को देखते हुए बाघ को ऐसा करना पड़ा। बाघ अपने प्रिय बाघिन को छोड़कर मुन्ना को अपने साथ लेकर ऊंचे स्थान की ओर चल गया। आखिर किसी तरह से बारिश से बच्चे को तो बचाना ही था। वह चलता रहा। पानी अधिक देखकर उसने मुन्ना को अपने ऊपर खड़ा कर लिया और रास्ते को तय करता रहा। बड़े उदास मन से आगे बढ़ता रहा और जब आखिर में वो ऊंचे स्थान पर पहुंच गया तो उसने बड़ी मायूसी से जंगल की ओर देखा और चिंघाड़ कर बोला, प्रिय तुम मुझे माफ़ कर देना। मुझे इतनी ख़राब हालत में तुम्हें वहाँ छोड़ कर अकेले आना पड़ा। मुझे तुम्हारी तीमारदारी के लिए तुम्हारे साथ होना था। इतने में ही झम से गऊ माता प्रकट होती है और बाघिन उनकी पीठ पर सवार होती है। बीमार बाघिन को एकदम इस प्रकार सुरक्षित स्थान पर देख बाघ एकदम खुश हो गया और बोला, जय गऊ माता।